tough time. Is anything worth doing is a tough time. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. Hello to all of you on the NCX. Dr. Adnan welcomes you on the Match Point on the NCX television. Exclusive footage for NCX TV Canada from the streets of Melbourne, Victoria, जहां पर पाकिस्तान अपना मैच भारत आर्च राइवल के खिलाफ खेलेगा और पाकिस्तान की टीम विल बी प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया द आर्च राइवल्स इन अ क्रिकेट गेम इन द वर्ल्ड कप ओपनर. और आपको दिखाना चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम जहाँ स्टे कर रही है आपको उसके कुछ मनाजर दिखाती हैं. ये एरिया जो है थोड़ा अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट है, ये तकरीबन 35 टू 40 किलोमीटर्स और हब है, ये सीबीडी एरिया कहते हैं इसको. और कॉलिंस प्लेस जो है वो यहाँ मशहूर है, जहाँ बहुत से एक मिनी शॉपिंग मॉल है, तमाम ब्रांडेड शॉप्स मौजूद है. लॉरेन देख सकते हैं आप, रॉक पिन बर्बर्स देख सकते हैं, रॉक एबनी देख सकते हैं, सीड कैसमैन, जितनी ये ब्रांडेड शॉप्स हैं आप तमाम देखेंगे इस हब में इसको सराउंड किया हुआ है. टीम वेस्ट इंडीज़ जिनके कुछ काफ़ी हालात नाजुक हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, वो भी इसी होटल में ठहरे हुए हैं. अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिल सिमंस को भी यहाँ पर देखा. यहाँ पर कुछ काफ़ी बार्स भी मौजूद हैं, उनके काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो इनमें वहाँ पर इस वक्त टाइम पास कर रहे हैं अपना. और इस तरफ प्रोफेशनल स्वीट्स हैं और लेवल वन और लेवल टू और ग्राउंड लेवल के ऊपर रेस्टोरेंट्स भी हैं, शॉप्स भी हैं. शॉप्स ज़्यादातर क्लोज हो चुकी हैं. और इसके अलावा काइनो रेस्टोरेंट जो है बड़ा प्रीमियर यहाँ पर रेस्टोरेंट है यहाँ का कॉलिंस प्लेस में. और एक बार भी है यहाँ पर बड़ी नीनो और काइनो, जो दो बार्स हैं यहाँ पर बड़े प्रीमियर लेवल बार्स जो हैं वो भी यहाँ पर बेसमेंट लेवल के ऊपर हैं, जहाँ पर आप नीचे उतर के जा सकते हैं. आइसक्रीम शॉप्स हैं, कुछ सोवेनियर शॉप्स भी यहाँ पर हैं और बैठने की कसीर जगह मौजूद है यहाँ पर, जहाँ पर बैठ के आप होटल की ब्यूटी देख सकते हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं. पाकिस्तान में जो शायकीन हमारी फीड देख रहे हैं उनको, उन्होंने देखा होगा कि पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर में जो कैप्सूल लिफ्ट है वो भी यहाँ पर इनका की गई है. कैप्सूल के थ्रू आप लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री तीनों पे आप अप्रोच कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द बेसमेंट. बेसमेंट का एरिया भी आपको नज़र नहीं आ रहा है. एक तो ये दिस इज़ द बेसमेंट और इसके अलावा आपके एक और इस ग्राउंड लेवल से नीचे भी एक और पोर्शन है जहाँ पर कुछ बार्स और ब्रांडेड शॉप्स मौजूद हैं. It's a very beautiful and very roomy hotel. आप कह सकते हैं कि ये sort of a business hub भी है. इसके अलावा अगर आपने लॉटो वगैरह खेलना है तो लॉटो वगैरह के लिए भी बड़ा क्लियर कट जगह है यहाँ पर, विद जूसेस, विद लॉटो और साथ में ड्रिंक्स के लिए उन्होंने पोर्शन बनाया हुआ है इसको, जिसको सेपरेट कर दिया गया है यहाँ से. अच्छा, यहीं से मैं अगर आगे चलूँ तो यहाँ पर कुछ और कपड़ों की ब्रांडेड शॉप्स हैं. बड़ा खूबसूरत मनाजर है ये सोफिटल के. ब्रांडेड शॉप्स जो दिन को सब खुली मिलती हैं, ऑस्ट्रेलिया में जरा रात जल्दी हो जाती है, पर फिर भी अगर इफ़ यू कंपेयर फ्रॉम द सिडनी और एडिलेड और ब्रिस्बेन तो काफ़ी रात काफ़ी देर तक भी यहाँ शॉप्स खुली रहती हैं, वरना सिडनी में तो शॉप्स खुलती नहीं हैं. ये देखिए सोफिटल के मनाजर दिखा रहा हूँ आपको. सिटिंग एरियाज बनाया हुआ है उन्होंने यहाँ पर फॉर द पीपल वो डूइंग द शॉपिंग. दे कैन टेक अ नैप, दे कैन टेक अ रेस्ट. बेसमेंट में जाने के लिए एस्केलेटर्स. सो दिस इज द मेन एंट्री जहाँ पर पाकिस्तान टीम की बस जो है आके रुकती है. अभी वो प्रैक्टिस सेशन के लिए भी यहाँ से गए थे. एंड दिस इज द एरिया एस्केलेटर का जहाँ पर पाकिस्तान टीम जो है वो 12 फ्लोर के ऊपर ठहरी हुई है. एंड दिस इज द प्लेस. सोफिटल के बाहर के मनाजर, वैले पार्किंग और आपको पार्किंग एरिया, और यहाँ पर भी कुछ बिस्ट्रोस वगैरह और कुछ बार्स वगैरह हैं जहाँ पाकिस्तान टीम अभी थोड़ी देर पहले जब प्रैक्टिस से पहले शाम के मनाजर थे कि इसी
मैं जगह पर जहाँ पर वैले पार्किंग आप देख रही है, यहीं पर गाड़ियाँ रुक रही थी और प्लेयर्स जो हैं अपने अजीज़ों अकारब और फ्रेंड्स वगैरह से मिलने के लिए वो इसी जगह से आ रहे थे और यहीं से मिलके जा रहे थे। एंड दिस इज़ द वन वे एंट्री और राउंड अबाउट से आप वापस आ सकते हैं सोफिटल के कुछ और मनाजिर। और थोड़ी देर पहले शाम को हारिस रऊफ अपने कुछ दोस्तों के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे थे राइट एट दिस प्लेस, दे वर टेकिंग सम स्नैक्स एंड स्पेंडिंग टाइम एट पोप जॉन। यही वो जगह है जहाँ पर आप अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोफिटल। मैंने कहा आपको मनाजिर दिखाई जाए कि पाकिस्तान टीम कहाँ ठहर रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोफिटल। देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो मार्का है ये कौन सर करेगा। पहली गेम दोनों का ओपनर है, ये वर्ल्ड कप ओपनर है एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। देखते हैं कि पाकिस्तान क्या दुबई की तरह दोबारा भारत की टीम को शिकस्त दे देगा या नहीं देगा, या भारत की टीम दोबारा अपना जो मंत्र है विनिंग मंत्र वर्ल्ड कप्स के अंदर उसको कायम दायम रखता है कि नहीं रखता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि दिस विल इज गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ गेम और ये लास्ट बॉल तक जाएगा। मेरा दिल कह रहा है कि वर्ल्ड कप की ये गेम जो है ये लास्ट बॉल थ्रिलर होगा या एटलीस्ट आखिरी ओवर तक जरूर जाएगा। और होप इट शुड बी अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट एंड बोथ द कंट्री शुड एंजॉय द गेम। टिल देन डॉक्टर अदनान सेज यू बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। वैसे मेरे हाथ में इत्फाकन पड़ी हुई थी। इरफान भाई आपका जो हैट्रिक वाला स्पेल था ना जब आप पाकिस्तान आए थे 2004, आई वाज द आई विटनेस। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। Always have a vision, I go by the night, I be in my feelings, I'ma be fine, need time and I'll soon be winning, I live life for the fight, yeah I'm here to get it, I got drive, got sight, always have a